फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में हम कवर करेंगे डीजी सिंक्रोनाइजेशन। डीजी सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। डेफिनेटली बहुत सी कंपनियों में आपने डीजी, जो नंबर ऑफ डीजी होते हैं, उनको सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम में देखा होगा, लेकिन ये कैसे काम करते हैं, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, और एक्चुअली हम डीजी सिंक्रोनाइजेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सभी के बारे में हम सभी को जानना ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो हम इसी टॉपिक्स को कवर करेंगे और जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीजी सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। डीजी सिंक्रोनाइजेशन वो सिस्टम होता है जिसमें कि हम एक कॉमन बस बार का यूज करके नंबर ऑफ डीजी को एक कॉमन बस बार में पावर की सप्लाई करते हैं, और इस पावर सप्लाई को किसी प्लांट में या किसी भी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कि डीजी सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, डीजी सिंक्रोनाइजेशन की मेन जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी प्लांट का लोड 1500 KVA है, और ऐसी कंडीशन में अगर हमको प्लांट में डीजी को लगाना है तो हम डायरेक्ट 1500 KVA का डीजी तो इंस्टॉल कर नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पे 500 KVA के डीजी को इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद जैसे हमारे पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम जनरेटर को ऑन करते हैं। जनरेटर मेनली सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम में जनरेटर मास्टर और स्लेव में वर्क करते हैं। सबसे पहले जैसे ही पावर शटडाउन होता है, इंटरप्शन में आता है, उस कंडीशन में फर्स्ट जनरेटर स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं मास्टर जनरेटर, और मास्टर जनरेटर स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होता है स्लेव जनरेटर। लेकिन मास्टर जनरेटर में लोड अगर हम 50% के ऊपर, हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है, अगर मास्टर जनरेटर का लोड 50-70% के ऊपर अगर होता है तो उसके बाद ही सेकंड जनरेटर ऑन होता है। लेकिन अगर मास्टर जनरेटर हमारा ऑन हो गया और हमको सेकंड जनरेटर भी ऑन करना है तो ऐसी कंडीशन में हमको सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम काम आता है। सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम काम किस प्रकार से आता है, इसके लिए अगर हमको कॉमन बस बार, क्योंकि हमारी सारे जनरेटर एक कॉमन बस बार से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे तीन चीज़ें हमको ध्यान रखना पड़ेगी। पहली की फेस एंगल, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा वोल्टेज। ऐसी कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही हम डीजी को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं या डीजी की सप्लाई को हम बस बार में सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए डीजी में सिंक्रोनोस्कोप यूज किया जाता है। पहले के टाइम में हम सिंक्रोनोस्कोप का यूज़ करते थे जिससे हम इसका फेस एंगल को पता लगाते थे। सिंक्रोनोस्कोप में हम पहले डीजी की, जो मास्टर डीजी है, उसकी सप्लाई दो फेस की, और सेकंड जो इनकमिंग, जो सेकंड स्लेव है, उसकी सप्लाई इसके रोटर और स्टेटर में देते थे। अगर इसमें फेज डिफरेंस होगा, उसके अंदर लगा हुआ जो पिन पॉइंट होता है वो मूव करने लगता है, लेकिन अगर इन दोनों के फेज डिफरेंस नहीं होता है तो जीरो पे रहेगा, इसका एक पिन पॉइंट एक सेम कंडीशन पे रहेगा और जीरो फेस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन दोनों के बीच में जो फेस एंगल होगा वो जीरो रहेगा। और इसके अलावा हम फ्रिक्वेंसी मीटर और वोल्टेज मीटर का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इसकी वोल्टेज सही सेम हुआ है कि नहीं। 440 वोल्टेज अगर हमारा सेम है, इसका मतलब है प्लस माइनस 5 वोल्ट चलता है। अगर 440 वोल्ट अगर सेम सप्लाई हो गई है और फ्रिक्वेंसी हमारी जो स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ से है, जो हमारे देश में यूज़ की जाती, अगर वो सेम हो गई है तो इसके बाद हम सप्लाई को डायरेक्ट ही स्विच करा देते हैं और बस बार में दे देते हैं। लेकिन अगर इसका फेज डिफरेंस हो जाए, अगर इसके बीच में फेज डिफरेंस हो जाए, तो क्या हम इसकी सप्लाई को कॉमन बस बार में दे पाएंगे? नहीं। अगर हम ऐसी अगर फेज डिफरेंस वाली या वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी में अगर डिफरेंस है और हम अगर इसकी सप्लाई को कॉमन बस बार में देंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। इन सभी प्रॉब्लम्स का ध्यान रखते हुए हम डीजी के सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसमें कि ये तीनों चीज़ें, जिसमें फेस एंगल, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, ये तीनों अगर सेम होंगे तभी हम कॉमन बस बार में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तो हो गया कि हमने किस प्रकार से सिंक्रोनस सिस्टम का यूज़ किया या सिंक्रोनाइजेशन जनरेटर का सिंक्रोनाइज किया। आजकल के टाइम में कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज़ करते हैं, पीएलसी सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो कि सिस्टम को मॉनिटर करता है, खासतौर से जनरेटर की ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फेस एंगल को मॉनिटर करता है, उसके बाद ही एसीबी को ऑन करता है। तो ये जो सिस्टम है, अगर मान के चलो अगर हमारा
हमारा स्लेव है उसकी वोल्टेज डाउन है तो उसकी वोल्टेज को बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए कमांड देगा। अगर फ्रीक्वेंसी डाउन हो तो फ्रीक्वेंसी को उसके लेवल पे लाएगा, या फेस एंगल है उसको मैच करेगा, उसके बाद ही एसीवी को ऑन करेगा। तो ये जो सिस्टम होता है ये आजकल के टाइम में काफ़ी ईजी हो गया है और इस टाइप के सिस्टम का आजकल यूज़ किया जाने लगा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि डीजी जनरेटर का सिंक्रोनाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, और अगले वीडियो में हम इसकी वायरिंग को बताएंगे कि जनरेटर और इनके बीच में वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।